आ बेटा इधर आओ। ये सायरा है और ये दोनों इनके बच्चे अफान और युसरा। अम्मा वो नए मेहमान का तारुफ ही नहीं करा चुक रही थी, वैसे इतने झमेले हैं जिंदगी में। नया मेहमान एक मुसीबत हो गया, बच्चा है, अकेला है वो यार। ये क्या किया है हा? सारे कपड़ों का सत्यानाश कर दिया। ना मुझे ये पता है कि इसके माँ बाप कैसे मरे हैं और ना ही मुझे ये पता है कि वो यहाँ क्यों रहेगा, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि कल से इस घर में एक उद्यम शुरू होने वाला है। अरे ये क्या किया, सालन गिरा लिया, अब ये सालन का दाग कौन निकालेगा? दर्द सर तो ये है हमारे लिए, पता नहीं कब जाएगी इस घर से और कब जान छूटेगी। मामा आपको पता है उमर ने ना आयमा को ना कल बेर से डराया था। उस बच्चे से ज्यादा खेलने की जरूरत नहीं है, कुछ दिनों का मेहमान है, खुद ही वापस चला जाएगा। ऐसा करते हैं उमर को भी ले जाओ। हम अकेले जाएंगे, उमर हमारे साथ नहीं जाएगा। अम्मी के बगैर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, अब्बू ने भी मुझे इतनी दूर भेज दिया, मेरे सारे दोस्त छूट गए, अब मैं अपने नए दोस्त कैसे बनाऊंगा? ये कैसे हो सकता है? अम्मा देखें, मैं जब वापस आऊंगा तो आपको सब कुछ बता दूंगा। लेकिन ये मैं बहुत मुश्किल में हूँ अम्मा, उसकी माँ की डेथ हो चुकी है, वो अब इस दुनिया में नहीं रही, आपको कुछ भी करके उसको संभालना होगा। आपका अपना खून है वो आपका अपना बेटा है। आपको कुछ भी करके उसको संभालना होगा, आपका अपना खून है वो आपका अपना बेटा है। उमर जी दादो जाओ मेरे पास, यहाँ आओ मेरे। नहीं तो अच्छा तुम ये बताओ, तुम यहाँ के लिए बैठे क्या कर रहे थे? ये कलर कर रहा था, सब बार बार गलत हो जाता है। ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा मेरी एक बात सुनो, अगर तुम यहाँ घर में कोई कुछ कहे ना तो तुम अपना दिल छोटा मत करना, बस मुझे बता दे। मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा। अच्छा तुमने अपने कपड़े अलमारी में रख दिए? जी दादू। और सुनो तुम्हें कोई चीज चाहिए या किसी चीज की जरूरत हो तो? नहीं मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है दादू। अच्छा ये बताओ तुम वहाँ क्या किया करते थे? स्कूल जाता था, पढ़ता था और रात को तुम्हें नींद भी नहीं आ रही थी क्यों? वो मम्मा मुझे कहानी सुनाकर सुलाया करती थी, बहुत सारी बातें करती थी, उनकी बातें सुनते सुनते सो जाया करता था। कैसी थी तुम्हारी मम्मा? बहुत अच्छी थी, मेरे साथ खेलती भी थी, मुझे होमवर्क भी कराती थी और आपको पता है हम लोग घूमने भी जाते थे, ऑफिस से मुझे स्कूल ले लें वही आती थी। तुम्हारी मम्मा जॉब करती? बहुत अच्छी थी। और बाबा? वो भी बहुत अच्छे। तुम भी बहुत अच्छे।
जब घर पे नजर नहीं आ रहे तो कहीं बाहर ही गए होंगे ना। पापा, ये आपकी बुक्स। अच्छा, अब तुम भी मुझे फुप्पो कहोगे? अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं इंदा नहीं कहूंगा। वो अपने मामों के साथ घूमने गए। मैं भी आपकी हेल्प करा लूं। मेरी हेल्प? मैं अपनी मम्मा की भी हेल्प कराता था। जाओ यहां से, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। सिर्फ कलर कर रहा था। किसने कहा था कलर करने को? क्यों हाथ लगाते हो उनकी चीजों को? स्कूल की किताब को दबा कर दिया। उठाओ अपनी चीजें, चलो। मुसीबत भरे से उतरी नहीं, एक नई आके अटक गई। तो ये पेज उमर, इधर आओ मेरे पास। मैंने बहुत सारे कलर मंगा के दूंगी, चलो मत लिया करो इनकी कोई चीज। तुम मुझसे कह दिया करो जो तुम्हें चाहिए, ठीक है? चलो।